नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसमें आज अपना 44वां नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, इससे पहले अपने 43 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर उनको किसी ने नहीं देखा है तो दोस्तों प्ले लिस्ट में जाएँ और वहाँ फोल्डर बना हुआ है फर्स्ट ग्रेड मॉडल पेपर के नाम से, तो दोस्तों आप वहाँ जाके टेस्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और पास में दिए गए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, इसकी फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम अभी तक तो दोस्तों जनवरी में ही फिक्स है। अभी कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है कि जिससे कि उनकी उसकी डेट आगे बढ़ सके। दोस्तों, अफवाहों पर ध्यान न दें, अपनी तैयारी रखें, क्योंकि आरएस के अंदर भी दोस्तों ऐसे ही हुआ था कि चुनाव नज़दीक थे और ऐसे कहा गया था कि डेट आगे बढ़ेगी, लेकिन दोस्तों मात्र 4 दिन पहले उसके एडमिट कार्ड आ गए थे। तो दोस्तों तैयारी जारी रखें, ऐसे मत सोचो कि डेट आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की जानकारी का उल्लेख निम्न में से किस अभिलेख में है? तो किस अभिलेख में है मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की जानकारी का उल्लेख? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक कारुमंदेई अभिलेख से मिलता है दोस्तों मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की जानकारी का स्रोत है ये। नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो, बुध के ग्रह त्याग का प्रतीक क्या है? तो क्या है बुध के ग्रह त्याग का प्रतीक? तो दोस्तों घोड़ा है। नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से जैन धर्म के त्रिरत्नों में शामिल नहीं है। तो जैन धर्म के त्रिरत्नों में कौन शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है सम्यक समाधि। ये नहीं है दोस्तों जैन धर्म के त्रिरत्नों में, वो है त्रिरत्नों के अंदर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, ये तीन है दोस्तों। नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह तीन रत्नों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, नंबर चार नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो, चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस के मध्य 305 ईस्वी पूर्व में युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो 305 ईस्वी पूर्व में युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सिंधु नदी पर हुआ था ये, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य युद्ध 305 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, ईस्वी पूर्व में हुआ था, 305 ईस्वी पूर्व में सिंधु नदी के तट पर। नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर पाँच प्रश्न है, तो इसमें देखो, अकाल के समय अन्न एकत्रित करने का उल्लेख किस मौर्यकालीन अभिलेख में मिलता है? दोस्तों अकाल के समय अन्न एकत्रित करने का उल्लेख किस मौर्यकालीन अभिलेख में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोहं गोरा व महास्थान अभिलेख में मिलता है दोस्तों। इन दो अभिलेखों में अकाल के समय अन्न एकत्रित करने का उल्लेख मिलता है, साहा गोरा व महास्थान अभिलेख में मिलता है। नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर छः नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो, भक्ति आंदोलन का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? भक्ति आंदोलन का उल्लेख है सर्वप्रथम दोस्तों भगवत गीता में मिलता है। किस में? भगवत गीता में मिलता है दोस्तों भक्ति आंदोलन का उल्लेख सर्वप्रथम। नेक्स्ट नंबर सात नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो, हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएगी, मुगल साम्राज्य के बारे में यह कथन किस मराठा पेशवा का था? हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएगी, मुगल साम्राज्य के बारे में यह कथन दोस्तों किस मराठा पेशवा ने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाजीराव प्रथम ने कहा था दोस्तों ये। नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर आठ नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो, कामागाटा मारू क्या था? तो दोस्तों कामागाटा मारू एक जापानी जहाज था। नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो भारतीयों को यात्रा पर लेके गया था। नंबर बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर नाइन प्रश्न है, तो इसमें देखो, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नए चरण के प्रारंभ का द्योतक था। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नए चरण के प्रारंभ का द्योतक था। तो दोस्तों इनमें से कौन सा द्योतक था ये अपने को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसने देश के समक्ष स्वशासन की दृष्टि
स्वशासन की एक स्पष्ट व ठोस योजना रखी थी। इसका दोस्तों जो इसने देश के समक्ष स्वशासन की एक स्पष्ट एवं ठोस योजना रखी थी। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नए चरण का प्रारंभ का द्योतक था। नंबर डी ऑप्शन दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें देखो मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के शासनकाल में अपने चरम पर थी। मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के शासनकाल में अपने चरम पर थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में। नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 11 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो सुमेलित करना है दोस्तों, एक तरफ है समाचार पत्र और दूसरी तरफ है स्थान। एक तरफ है समाचार पत्र और दूसरी तरफ क्या है स्थान। तो दोस्तों यहाँ पे अपन को क्या करना है, सुमेलित करना है। तो देखो जय हिंद नामक जो समाचार पत्र है ये दोस्तों ये कहाँ पर प्रकाशित हुआ था जय हिंद नामक समाचार पत्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है कोटा में, जय हिंद कोटा में। तरुण राजस्थान दोस्तों, तरुण राजस्थान है ये ब्यावर के अंदर, और नवीन राजस्थान, नवीन राजस्थान दोस्तों अजमेर के अंदर, और राजस्थान केसरी ये वर्धा के अंदर, वर्धा के अंदर। दोस्तों जय हिंद कोटा के अंदर, तरुण राजस्थान ब्यावर के अंदर, नवीन राजस्थान अजमेर के अंदर, और राजस्थान केसरी वर्धा के अंदर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2-1-3-4, 2-1-3-4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 12 प्रश्न है, इसमें देखो दोस्तों प्रश्न थोड़ा बड़ा है। राजस्थान में 1857 की क्रांति के संदर्भ में सत्य कथन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है। तो दोस्तों अपने को इसमें यह बताना है कि कौन सा कथन है वो सत्य है। तो इसमें देखो राजस्थान में क्रांति के समय एजीजी पैट्रिक लॉरेंस था। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, क्रांति के समय एजीजी पैट्रिक लॉरेंस था। राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद से हुआ था। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। राजपूताने में अंग्रेजों को शरण देने वाला पहला शासक महाराणा स्वरूप सिंह था। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है, अंग्रेजों को शरण देने वाला पहला शासक महाराणा स्वरूप सिंह था, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है चौथा, आउवा सेना ने चेलावास युद्ध यानी कि काला गोरा युद्ध में ब्रिटिश और जोधपुर रियासत की सम्मिलित सेना को परास्त किया था। किसने, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने दोस्तों चेलावास युद्ध में ब्रिटिश और जोधपुर की संयुक्त सेना को परास्त किया था। तो बिल्कुल सही है दोस्तों। तो 1857 के यानी कि स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति के संबंध में सत्य कथन दोस्तों ये चारों के चारों ही है। नंबर डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 13 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो निम्न में सत्य कथन का चयन कीजिए, निम्न में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें देखो दोस्तों महाराणा प्रताप को भामाशाह ने 20,000 के लगभग स्वर्ण मुद्राएं देकर सैन्य शक्ति को संगठित करने में सहायता प्रदान की थी। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, महाराणा प्रताप के विरुद्ध शाहबाज खान ने सर्वाधिक सैन्य अभियान किए। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है, अकबर ने सबसे ज़्यादा बार शाहबाज खान को भेजा था महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए। अगला देखो, महाराणा प्रताप ने दिवेर के युद्ध में अपने विजय अभियान को प्रारंभ किया। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, 1582 के अंदर दिवेर का युद्ध हुआ था, उसमें महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। नंबर सी ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर देखो, मेवाड़ इतिहास में सर्वप्रथम शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर अप्रैल 1578 में अधिकार किया। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है, 1578 में शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये चारों ही सही है दोस्तों, 1, 2, 3, 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 14 प्रश्न है, तो इसमें देखो निम्न में असत्य कथन है, निम्न में से असत्य कथन इसमें अपने को बताना है। तो देखो इसमें
पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल लेख में गुजर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, गुजर जाति का उल्लेख है वो ऐहोल अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट इसमें देखो, ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट प्रथम को म्लेच्छों का नाशक कहा गया है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। अर्णोराज ने अजमेर के निकट सुल्तान महमूद की सेना को परास्त किया, उसी स्थान पर आना सागर झील का निर्माण करवाया। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। सोमेश्वर ने हरि के लिए नाटक की रचना की थी। तो दोस्तों सोमेश्वर ने नहीं करी थी, विग्रहराज चतुर्थ ने की थी हरि के लिए नाटक की रचना। नंबर डी ऑप्शन दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि है असत्य कथन है, नंबर डी ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 15 नंबर प्रश्न। तो इसमें देखो, निम्न में असुमेलित को छांटिए, निम्न में असुमेलित को छांटिए। तो इसमें देखो, राजस्थान सेवा संघ माणिक्य लाल वर्मा, दोस्तों आपको यही पता होगा, ठीक है, ये इसमें गलत है। राजस्थान सेवा संघ विजय सिंह पथिक, ठीक है। जैन शिक्षा प्रचारक अर्जुन लाल सेवी, राजपुताना मध्य भारत सभा जमलालाल बजा, हाड़ोती सेवा संघ पंडित न्यूनूराम शर्मा, राजस्थान सेवा संघ दोस्तों इसमें माणिक्य लाल वर्मा है, ये गलत हो जाएगा। नंबर इसमें असुमेली छांटना था, नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 16 नंबर प्रश्न है। तो इसमें देखो, सुमेलित करना है, एक तरफ है भौतिक प्रदेश, दूसरी तरफ है राज्य के क्षेत्रफल का प्रतिशत भाग। तो दोस्तों एक तरफ भौतिक प्रदेश, दूसरी तरफ है राज्य के क्षेत्रफल का प्रतिशत भाग, सुमेलित करना है दोस्तों। इसमें देखो, पश्चिमी रेतीला मैदान, तो दोस्तों आपको पता होगा पश्चिमी रेतीला मैदान कितना है, 61.11 पे, और अरावली पर्वतीय प्रदेश ये कितने पे है, ये दोस्तों 9.27 पे है, और पूर्वी मैदान दोस्तों 23.23 पे है, ये दोस्तों लगभग बता रहा है, ठीक है ना, एग्जैक्ट नहीं है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश तो ये हो जाएगा 6.89 हो जाएगा दोस्तों। अब इसमें देखो, इसका उत्तर क्या हो रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2-1-3-4, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिमी रेतीला प्रदेश कितने पे है, 61 पे, और अरावली 9 पे, पूर्वी मैदान 23 पे, और दक्षिणी पूर्वी पठार है ये दोस्तों कितने पे है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 6.89 यानी कि लगभग 7% पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 17 नंबर। तो इसमें देखो, राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश की शैल किस भूगर्भिक काल की है, तो किस भूगर्भिक काल की है, तो दोस्तों जुरैसिक व इओसीन काल की है दोस्तों मरुस्थल प्रदेश में की शैली, मरुस्थलीय प्रदेश की शैलें हैं वो जुरैसिक व इओसीन काल की है। नेक्स्ट है नंबर 18 नंबर प्रश्न है। तो इसमें देखो, राजस्थान की जलवायु की प्रमुख विशेषता है, तो कौन सी विशेषता है, तो इसमें देखो तापक्रम में अत्यधिक भिन्नता रहती है, नंबर डी ऑप्शन दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 नंबर है। तो इसमें देखो, हाड़ोती के पठार की मिट्टी है, तो हाड़ोती के पठार की जो मिट्टी है दोस्तों मध्यम काली है, सबको पता होगा, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 20 नंबर प्रश्न है। तो इसमें देखो, सुमेलित करना है एक तरफ दिया गया खनिज और दूसरी तरफ खनन क्षेत्र। तो देखो, एक तरफ दिया गया है खनिज और दूसरी तरफ दिया गया है खनन क्षेत्र। तो दोस्तों पन्ना है दोस्तों कहाँ पर है, तो ये काला गुमान, ठीक है। तांबड़ा है दोस्तों राजमहल टोंक के अंदर, और बेरेलियम हो जाएगा दोस्तों वो चंपागुड़ा, और चूना पत्थर हो जाएगा ये सानू हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पन्ना काला गुमान, तांबड़ा राजमहल में, बेरेलियम चंपागुड़ा, और चूना पत्थर सानू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2-1-3-4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखो, 2-1-3-4 नंबर बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नंबर 21 नंबर प्रश्न है। तो इसमें देखो, भारतीय संविधान है, तो दोस्तों भारतीय संविधान है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, नंबर डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 22 प्रश्न है। तो इसमें देखो,
भारतीय संविधान में किस प्रकार के मौलिक अधिकारों पर अधिक बल दिया गया है? भारतीय संविधान में किस प्रकार के मौलिक अधिकारों पर अधिक बल दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राजनीतिक व सामाजिक अधिकार। नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 23 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो आपातकाल में नागरिकों के मूल अधिकारों को, आपातकाल में नागरिकों के मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 24 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या क्या शामिल हैं? तो इसमें देखो संसद व विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य शामिल है दोस्तों। नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 25 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है क्योंकि उसके निर्णय प्रमाणित व अधोलिखित होते हैं। नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 26 नंबर प्रश्न, तो इसमें देखो बैंक दर का अर्थ है, बैंक दर का अर्थ क्या है? तो दोस्तों बैंक दर का जो अर्थ है वो है जिस ब्याज दर पर RBI सभी बैंकों से ऋण उपलब्ध कराता है, तो वो है दोस्तों बैंक दर, यानी कि RBI सभी बैंकों से ऋण उपलब्ध कराता है, वो है बैंक दर। नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 27 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? तो चमगादड़ है वो दोस्तों मेमेलिया वर्ग का प्राणी है। नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 28 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का स्तर पाया जाता है, परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का स्तर है वो पाया जाता है, तो दोस्तों प्रत्येक पोषक स्तर पर ऊर्जा की मात्रा घटती है। नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 29 प्रश्न, इसमें देखो नाभिकीय विखंडन व संचलन दोनों क्रियाओं में विमुक्त ऊर्जा का कारण है, नाभिकीय विखंडन व संचलन दोनों क्रियाओं में विमुक्त ऊर्जा का कारण है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन। नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 30 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो शरीर के रक्त में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो दोस्तों शरीर के रक्त में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन का जो कार्य है वो क्या है? तो इसमें देखो ऑक्सीजन का परिवहन। नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 31 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो वर्तमान में संचालित ऐसे कार्यक्रम का चयन करें जो एक साथ निर्धनता व बेरोजगारी को कम करने के उद्देश्य से बनाया गया है, वर्तमान में संचालित ऐसे कार्यक्रम का चयन करें जो एक साथ निर्धनता व बेरोजगारी को कम करने के उद्देश्य से बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मनरेगा व मेक इन इंडिया कार्यक्रम। नंबर बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 32 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो राजस्थान में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि सेज अधिनियम कब पारित किया गया? तो सेज अधिनियम है वो दोस्तों कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया 10 सितंबर 2003 को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 33 नंबर प्रश्न, तो इसमें देखो सुमेलित करना है दोस्तों, एक तरफ है सेज औद्योगिक क्षेत्र और दूसरी तरफ है स्थान जिला, एक तरफ है सेज औद्योगिक क्षेत्र और दूसरी तरफ है स्थान व जिला, तो इसमें देखो जेम्स एंड ज्वेलरी है, तो दोस्तों किस स्थान पर है ये? तो ये हो जाएगी दोस्तों सीतापुरा जयपुर में, और दस्तकारी हो जाएगी दोस्तों ये बोरानाडा जोधपुर के अंदर, महिंद्रा एंड महिंद्रा ये दोस्तों अजमेर रोड जयपुर पे है, और जापानी सेज ये निमराना अलवर के अंदर है, तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा 2, 1, 3, 4, जेम्स एंड ज्वेलरी है ये कहाँ पर है? सीतापुरा जयपुर के अंदर, दस्तकारी है तो दोस्तों ये बोरानाडा जोधपुर में, महिंद्रा एंड महिंद्रा ये अजमेर रोड जयपुर में, और जापानी सेज निमराना अलवर में, तो दोस्तों 2, 1, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट नंबर 34 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो सुमेलित करना है दोस्तों, इसमें थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, चारों आ जाएंगे। हाँ देखो दोस्तों इसके अंदर
प्रोजेक्ट और वित्तीय सहयोगी संस्थान, प्रोजेक्ट और वित्तीय सहयोगी संस्थान। तो इसमें देखो राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम, राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम है, तो दोस्तों इसका वित्तीय सहयोगी संस्थान है वो कौन सा है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों एडीबी, यानी कि एशियन विकास बैंक, इसका एडीबी हो जाएगा दोस्तों। दूसरा है जोधपुर जलापूर्ति प्रोजेक्ट पुनर्गठन, जोधपुर जलापूर्ति प्रोजेक्ट पुनर्गठन, तो दोस्तों इसका हो जाएगा एजेंसी फ्रेंचाइज डेवलपमेंट, ये हो जाएगा दोस्तों पहला इसका हो जाएगा, ठीक है, इसका पहला हो जाएगा और उसका दूसरा हो जाएगा। राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति, राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति फ्लोराइड मुक्ति, तो दोस्तों ये कौन कर रहा है, ये इसकी वित्तीय की सहयोगी संस्था कौन सी है, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहकारी एजेंसी, ये है दोस्तों इसकी। और राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकरण प्रोजेक्ट, तो इसका है दोस्तों विश्व बैंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 2134, 2134 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक पृथ्वी का तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के आसार जताए गए हैं, तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि पृथ्वी का जो तापमान है वो 3.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं, तो ये कौन से वर्ष में ऐसा होने वाला है, ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 2100वें वर्ष में, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, दमन दीव तथा दादरा और नगर हवेली के एकीकरण के पश्चात भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, तो दोस्तों आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश की स्वीकृति है वो मिल चुकी है, यानी कि लागू हो चुका है, ठीक है। देखो एक तो प्रस्ताव होता है कि प्रस्ताव पारित हो चुका है, तो लद्दाख का प्रस्ताव है वो धारा 370 हटी थी उस समय ही प्रस्ताव वो पारित हो चुका था, लेकिन जो पूर्णतः केंद्र शासित प्रदेश है वो दोस्तों अक्टूबर में बना था, ठीक है, तो आपको ये चीज है वो याद रखना है। तो देखो अब दमन एवं दीव ये केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है, दादरा और नगर हवेली, तो इन दोनों को मिला के एक ही केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रस्ताव है वो पारित हो चुका है, ठीक है। अब दोस्तों अपने को इसमें ये बताना है कि ये प्रस्ताव जैसे ही लागू होगा, लागू होने के बाद में दोस्तों कितने केंद्र शासित प्रदेश बचेंगे भारत में, वो अपने को इसमें बताना है। और दोस्तों इन दोनों के एकीकरण से लोकसभा में 2 सीटों का भी इसमें फायदा होगा, ठीक है, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर है वो कमेंट में बताना है, बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, कमेंट में बताना है 7 है 8 है 9 है या 10 है, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन दोनों के एकीकरण होने के बाद में बताना है, ठीक है। 37 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने हांगकांग में लोकतंत्र की मांग हेतु चल रहे प्रदर्शनों का समर्थन करने संबंधी एक विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, ठीक है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने हांगकांग में लोकतंत्र की मांग हेतु चल रहे प्रदर्शनों का समर्थन करने संबंधी एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें भारत ने, सॉरी नेपाल जापान अमेरिका बांग्लादेश, क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर, तो अमेरिका इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों अभी इस के चलते चाइना और अमेरिका के मध्य भी तनाव का माहौल बना हुआ है, क्योंकि चाइना चाहता है कि अमेरिका है वो हांगकांग के मामले में नहीं बोले, ठीक है, और जो हथियार वगैरह थे उन पर भी अमेरिका ने हांगकांग के पुलिस के लिए निर्यात पर रोक लगा दी है, ठीक है, मतलब खरीद नहीं सकते हांगकांग वाले, पहले जो असला बारूद आ रहा था अमेरिका से उस पर रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट है 38 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो साल 2020 में आयोजित होने वाला या होने वाले नौसैनिक अभ्यास मिलन की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा, तो नौसैनिक अभ्यास मिलन की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा,
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों भारत करेगा इसका, ठीक है। तो डी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है 39 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में प्रस्तावित 3097 मेगावाट की एटालिन परियोजना के कारण जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन की अनुशंसा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश ने, ठीक है। ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये दिबांग नदी पर ये परियोजना है, ये प्रस्तावित है, ठीक है। नेक्स्ट है 40 नंबर प्रश्न है, राजस्थान सरकार से स्टेट ओपन स्कूल परिणामों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को मिलने वाले एकलव्य मीरा पुरस्कार की राशि कितनी है? तो सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को एकलव्य मीरा पुरस्कार की राशि प्रदान की जाती है, तो दोस्तों वो कितनी है? तो वो 21,000 रुपये है। कितनी? 21,000। नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मीरा पुरस्कार 21,000 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो गीत प्लस अंजलि संधि विच्छेद से गीतांजलि शब्द बनने में कौन सी संधि का प्रयोग होगा? तो दोस्तों कौन सा संधि का प्रयोग होगा गीत प्लस अंजलि संधि विच्छेद से गीतांजलि शब्द बनने के लिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दीर्घ संधि हो जाएगा दोस्तों इसके अंदर। कौन सा संधि? दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें देखो नंबर 42 प्रश्न, एक है अग और एक है अध, अग अध का निम्न में से अर्थ शब्द युग्म छाटे, मतलब इनका अर्थ क्या है वो बताना है, अग का मतलब क्या होता है और अध का मतलब क्या होता है। तो इसमें देखो अग का मतलब तो होता है सूर्य और अध का मतलब होता है पाप, अग का मतलब सूर्य और अध का मतलब होता है पाप। नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विकल्प के अर्थ का संबंध जलद से नहीं है? तो जलद से संबंधित कौन सा नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बादल। दोस्तों ये जलज में नहीं आएगा, जलज हो जाएगा दोस्तों कमल मोती और चंद्रमा, ये इसका हो जाएगा दोस्तों जलद, द आएगा दोस्तों इसके अंदर, ठीक है, तो इसमें गलत हो जाएगा नंबर सी। नेक्स्ट नंबर 44 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो कौन सा शुद्ध शब्द है? तो देखो आशीर्वाद दोस्तों, ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 45 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो निम्न में से अशुद्ध वाक्य को छाटिए, तो दोस्तों अशुद्ध वाक्य है वो कौन सा है? मंदिर में भक्तों का तारतम्य बना रहा, ये दोस्तों अशुद्ध वाक्य है यहाँ पे, ठीक है, नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 46 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो द लीडर आस्क्ड हिज फॉलोअर्स गो अवे, तो दोस्तों यहाँ पे खालिस्तान में क्या आएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों द लीडर आस्क्ड हिज फॉलोअर्स नॉट गो टू अवे, तो इसमें नॉट टू आएगा दोस्तों इसके अंदर, नॉट टू गो अवे, नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 47 नंबर प्रश्न है, द मीटिंग 8:06 o'clock, तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा? द मीटिंग 8:06 o'clock, तो क्या आएगा? द मीटिंग एडजर्न्ड 8:06 o'clock, तो नंबर बी ऑप्शन आएगा दोस्तों एजेंड, ठीक है एजेंड। नंबर 48 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो ही वॉज वेरी इल लास्ट ईयर बट थैंक गुडनेस ही पुल्ड, तो इसमें दोस्तों यूज द करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है कि यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, तो इसमें देखो इसमें थॉट आएगा दोस्तों, क्या आएगा? थॉट, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 49 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो दीज क्लॉथ्स हैव टू बी वॉश्ड, दीज क्लॉथ्स हैव टू बी वॉश, तो इसमें आ जाएगा दोस्तों चेंज टू एक्टिव वॉइस में, तो इसमें परिवर्तन करना है, तो इसमें हो जाएगा समबडी हैज टू वॉश दीज क्लॉथ्स, नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 50 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस इन द डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस फॉर द सेंटेंस बिलो, तो अपने पास सेंटेंस है एन ओल्ड माउस आस्क्ड हु वुड बेल द कैट, एन ओल्ड माउस आस्क्ड हु वुड बेल द कैट,
मतलब एक बूढ़ा चूहा कहता है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। तो दोस्तों इसका जो अपने को करना है डायरेक्ट स्पीच में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एन ओल्ड माउस सेड हु विल बेल द कैट, हु विल बेल द कैट, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 51 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापकों के लिए कितने न्यूनतम घंटे कार्य प्रति सप्ताह अनिवार्य है, तो कितने हैं? तो दोस्तों 45 घंटे शिक्षण व तैयारी के घंटे, नंबर बी नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 52 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 19(1) के तहत राज्य में घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था है तो कौन सी है? तो दोस्तों राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नंबर बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 53 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो एस आई क्यू ई का पूरा नाम है, तो दोस्तों क्या है इसका पूरा नाम एस आई क्यू ई का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, ये हो जाएगा दोस्तों इसका फुल फॉर्म, नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 54 नंबर, इसमें देखो राज्य सरकार द्वारा उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा के लिए संचालित विद्यालय जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त होंगे निम्न में से हैं, तो दोस्तों निम्न में से क्या है? तो स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल, नंबर सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 55 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो एन यू ई पी ए यानी कि न्यूपा मुख्य रूप से संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो दोस्तों शैक्षिक योजना से संबंधित है, नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 56 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो सर्व शिक्षा अभियान यानी कि SSA सर्व शिक्षा अभियान एक व्यापक कार्यक्रम के तहत निम्न में से प्राप्त करना चाहता है, तो क्या प्राप्त करना चाहता है? तो सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 57 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो निम्न में से किन सेवारत अध्यापकों को उच्च शिक्षा संस्थान प्रशिक्षण प्रदान करता है, तो कौन प्रदान करता है? तो दोस्तों शाला विख्याता व द्वितीय श्रेणी शिक्षक, नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 58 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो निम्न में से कौन सा स्तर क्रियान्वय होता है जो सभी स्तरों की नींव का पत्थर है, निम्न में से कौन सा स्तर क्रियान्वय होता है जो सभी स्तरों की नींव का पत्थर है? तो दोस्तों शाला स्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा, शाला स्तर क्रियान्वय होता है जो सभी स्तरों की नींव का पत्थर होता है। नेक्स्ट नंबर 59 प्रश्न है, तो इसमें देखो विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश के सार्वभौमिकरण व गुणवत्ता सुधार के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था, विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश के सार्वभौमिकरण व गुणवत्ता सुधार के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, नंबर ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 60 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो निम्न में से कौन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के केंद्रीय संगठन से संबंधित नहीं है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के केंद्रीय संगठन से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सचिव प्रधानमंत्री कार्यालय भारत सरकार, नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये दोस्तों केंद्रीय संगठन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 61 नंबर है, तो इसमें देखो केंद्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली के गठन का उद्देश्य है, तो नई दिल्ली में जो गठन हुआ था उसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है दोस्तों शिक्षा में सुधार के लिए नई विधियों का विकास करना, शैक्षिक क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य करना, सेवा पूर्व व सेवाकालीन प्रशिक्षण कर देना, दोस्तों उपरोक्त सभी इसके गठन का उद्देश्य है, नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 62 नंबर प्रश्न है, द्वितीय श्रेणी व व्याख्याता स्कूली शिक्षा के नियुक्त पदोन्नति व स्थानांतरण का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, द्वितीय श्रेणी व व्याख्याता स्कूली शिक्षा के नियुक्ति पदोन्नति व स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा निर्देशक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ठीक है, ये करता है दोस्तों, नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट नंबर 63 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो साला चित्रण में असुमेलित है, तो कौन सा असुमेलित है? तो दोस्तों इसमें देखो मंदिर मस्जिद, ये दोस्तों इसमें ये गलत है, नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी के दोस्तों तीनों सही है। नेक्स्ट है नंबर 64 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो भारत में सैनिक स्कूल खोलने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो किसने दिया था दोस्तों सैनिक स्कूल खोलने का सर्वप्रथम सुझाव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वी के कृष्णन मेमन ने दिया था दोस्तों, मेनन ने, ठीक है। नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर आपने वो जो शैक्षिक प्रबंध एवं प्रशासन की सीरीज चल रही है उसके दोस्तों लगभग 30 चैप्टरों में से लगभग 22-23 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ज़्यादा भी बड़ा भी वीडियो नहीं है, छोटे छोटे वीडियो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ फोल्डर बना हुआ है शैक्षिक प्रबंध एवं प्रशासन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो दोस्तों आप वहाँ जाके सारे टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं वहाँ पे, तो आपके ये प्रश्न हैं वो एक भी गलत नहीं होंगे, ये सारे के सारे प्रश्न दोस्तों उसी में से ही हैं, तो उससे क्या है कि आपको पेपर देने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। नंबर 65 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो विद्यालय प्रबंध समिति की कार्य समिति की बैठकों के लिए गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों का कितना भाग उपस्थित होना चाहिए? विद्यालय प्रबंध समिति की कार्य समिति की बैठकों के लिए गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों का कितना भाग उपस्थित होना चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1/3, नंबर सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 66 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो JKMPT निम्न में से उपयुक्त विकल्प का चयन करें, तो दोस्तों उपयुक्त विकल्प का अपने को इसमें चयन करना है, तो इसमें देखो बहुत ही सिंपल है, जे और के अंदर दोस्तों कितने का गैप है? तो जे के इसमें एक का, इसमें दोस्तों दो का है, के और एम में, यानी कि इसमें इसकी सीरीज है दोस्तों +1, +2, +3, +4 और +5, तो दोस्तों टी के बाद में अपन को +5 करने हैं, टी के बाद में +5 करने हैं, तो टी आता है अपने 20 नंबर पे, और 20 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 25 नंबर पे क्या आता है? तो वाई आता है, तो अपना बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाई इसका सही उत्तर। नेक्स्ट इसमें देखो एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा कि उसकी माँ मेरी सास की इकलौती पतोहू है, यानी कि पतोहू यानी कि पोते की बहू, बताएं उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है? तो दोस्तों उस पुरुष से उस महिला का क्या संबंध है? तो देखो औरत की सास इकलौती पतोहू है, यानी कि स्वयं महिला है, ठीक है, स्वयं महिला है, वो पुरुष की माँ है, और पुरुष है वो महिला का पुत्र है, तो दोस्तों इसमें पुत्र हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी ऑप्शन, पुत्र हो जाएगा दोस्तों इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 68 नंबर प्रश्न, तो इसमें देखो यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सारे वर्णों का विपरीत या उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से तीसरे वर्ण और बाएं से सातवां वर्ण कौन सा होगा? बाएं से तीसरा और सॉरी दाएं से तीसरा वर्ण और बाएं से सातवां वर्ण, तो दोस्तों अपने को इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, देखो इसमें उल्टा लिखा रहा है, ठीक है, तो आप इसमें देखो तीसरा वर्ण और सातवां वर्ण, तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे दोस्तों, 3+7 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 10, और 10वें नंबर पे क्या आता है? तो 10वें नंबर पे आता है जे, 10वें नंबर पे क्या आता है? जे, नंबर ए ऑप्शन दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 69 प्रश्न है, तो इसमें देखो यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्रेन को CSBJO लिखा जाए तो उसी भाषा में MANKER यानी कि MANKER को क्या लिखा जाएगा? तो दोस्तों मेंकर को क्या लिखा जाएगा? ब्रेन को तो लिखा जाता है CSBJO, तो मेंकर को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें देखो यहाँ पे देखो दोस्तों बी ब्रेन में देखो बी है शुरू में और यहाँ पे सी है, तो BCRSABIJ और NO, तो दोस्तों इनमें सब में एक एक प्लस किया हुआ है, ठीक है, सब में एक एक प्लस किया हुआ है, और इसी में भी अपन को ऐसे करना है, तो MN MNAB, तो ये आ गया दोस्तों देखो, ठीक है,
एन इसमें देखो दोस्तों एम एन एक एक प्लस करना है, एक एक इसमें प्लस करना है, तो इसमें देखो इसमें दोस्तों ये यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट है, ठीक है, ये एन नहीं है, यहाँ पे मेकर है, ठीक है, मेकर। तो एम का हो जाएगा एन और ए का हो जाएगा बी और एक एक प्लस करना है, ठीक है, के का हो जाएगा एल और ई का हो जाएगा एफ और आर का हो जाएगा एस। तो दोस्तों सब में एक एक प्लस हो जाएगा, इसमें मेकर का हो जाएगा एन बी एल एफ एस, नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 8 जनवरी 2003 को बुधवार था तो 1 जनवरी 2004 को कौन सा वार होगा? तो दोस्तों एक प्लस हो जाएगा इसमें, ठीक है, एक प्लस हो जाएगा, तो एक प्लस हो जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, बुधवार है तो क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसमें देखो यदि 8 जनवरी को बुधवार था, 8 जनवरी को बुधवार था, तो दोस्तों 1 जनवरी को क्या हो गया, तो 1 जनवरी को भी बुधवार हो गया, तो 1 जनवरी को बुधवार हो गया दोस्तों, तो 1 जनवरी को पूछ रहा है, 1 जनवरी 2004 का पूछ रहा है, तो एक प्लस हो जाएगा दोस्तों, बृहस्पतिवार हो जाएगा, नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 71 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो यदि किसी समांतर श्रेणी में पहला पद 5 व सार्व अंतर 4 हो तो 5, 9, 13, 17, 21 में पांचवा पद क्या होगा? तो इसमें दोस्तों पांचवा पद है वो क्या होगा ये बताना है इसमें। तो इसमें देखो प्रथम पद है तो वो ए बराबर हो जाएगा दोस्तों 5, और एन बराबर कितना हो जाएगा, 15वां पद। तो सार्व अंतर है वो कितने का है, तो सार्व अंतर है वो दोस्तों अपन डी से प्रदर्शित करेंगे तो -4 का है, और इसमें दोस्तों सूत्र लगेगा वो है देखो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये सूत्र लगेगा दोस्तों इसके अंदर, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसमें 5 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 4 हो जाएगा दोस्तों, तो 15 में से 1 गया तो कितने बच गए, 14, तो 5 प्लस 14 इंटू 4, तो 14 चौके 56, 56 प्लस 5 दोस्तों 61 हो जाएगा, नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसका भाग 374 44 में देने पर परिणामी पूर्ण संख्या प्राप्त हो, तो दोस्तों कौन सी है वो, तो वो है दोस्तों इसमें 4 का भाग दे देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों 9261, 9261 में दोस्तों 21 का अपन इसकी 21 का घन हो जाएगा दोस्तों, ये 9261, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी ऑप्शन, ठीक है, सॉरी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 72 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि क्या 21 हो जाएगा दोस्तों। नंबर 73 नंबर प्रश्न है दोस्तों, तो इसमें देखो नीचे एक परिवार की मासिक आय 10,000 रुपये है, ठीक है, और यहाँ पे पाई चार्ट की तरह से दिया गया है, कितना परसेंट वो किस पे खर्च करता है? तो दोस्तों इसमें देखो 90% शिक्षा पे, 30% खाद्यान्न पे, और 50% विविध पे, 30% मनोरंजन पे, 70% कुल बचत, 45% किराया पे, और 45% ईंधन पे। तो दोस्तों ये टोटल कितने हो गए, 360 हो गए, ठीक है। तो इसमें दोस्तों अपने को देखो क्या करना है, चार्ट की सहायता से परिवार का खर्च किराए पर खर्चे से चुने। तो देखो इसमें इसमें दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं करना है अपने को, तो इसमें देखो परिवार के किराए का खर्च कितना है, 45%, तो इसमें 45/360 10,000 हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाएगा 1,250, तो ये हो जाएंगे, ठीक है, 1,250 ही हो जाएंगे, और प्रतिशत में आय निकालनी है तो दोस्तों 12.5% हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1,250 रुपये, 1,250 रुपये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 384 सेमी है तो घन का एक तल का क्षेत्रफल होगा, तो एक घन का जो तल का जो क्षेत्रफल है वो दोस्तों इसमें देखो 6 भुजा स्क्वायर होता है, तो दोस्तों इसमें 384 दिए गए हैं यहाँ पे,
ठीक है, 384/6 कर देंगे, और फिर इसमें देखो 6 करेंगे तो 64 आ जाएंगे, और 64 है वो दोस्तों किसका स्क्वायर होता है, तो ये 8 का होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो 64 सेमी स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 75 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो एक बेलनाकार टंकी की ऊंचाई 40 सेमी है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 12320 सेमी हो, तो टंकी की त्रिज्या ज्ञात करें। तो दोस्तों टंकी की त्रिज्या ज्ञात करनी है अपन को यहाँ पे, तो इसमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लगेगा 2πr है, 2π × h दोस्तों इसमें ये लगेगा, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना दोस्तों, इसमें r निकालना पड़ेगा, तो 12320 × 7/2×22×40 हो जाएंगे दोस्तों, इसमें r हो जाएगा दोस्तों 7×7 वो हो जाएगा 49 सेमी, ये हो जाएगा दोस्तों नंबर सी नंबर ये ऑप्शन है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी भी आराध्या आरएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, पास में दिए गए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को दोस्तों लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।